आज मैं आप लोग को मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, जिसको हिंदी बोलते हैं आप व्यू। तो आपका जो एक्सरसाइज है आपको इस पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखिएगा। और इसमें जो क्वेश्चन है छठा में पढ़ाऊंगा, छठे का छठा ही क्वेश्चन है। तो आपका एक्सरसाइज क्या 3.2 है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया आपका, वो क्या करने के लिए क्या है, पहले तो कहा ए प्लस बी फाइंड करिए आप, और ए बी माइनस सी करिए, उसके बाद इसको वेरीफाई करिए, यानी प्रूफ करिए आप कि क्या ये दोनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको इनको जरूरत पड़ेगी, ये अगर निकल जाए तो हम लोग ये आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको, सबसे पहले मैं प्लस बी निकालेंगे यहाँ पे, 1 2 5 5 0 2 1 -1 1। उसके बाद बी हमें चाहिए, तो बी लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, 3 -1 2 4 -2 5 2 0 3। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब मिलेगा यहाँ पे, ये ऐड करेंगे तो 4 आएगा, पहले को पहले ऐड करेंगे ये आएगा आपका 1, और ये आपका -3 आएगा। ओके, इसका इससे ऐड करेंगे तो आएगा 9, ये होगा -2, ये होगा आपका 7, और ये होगा आपका 3, ये होगा -1, ये होगा आपका 4। ये आपका ए प्लस बी फाइंड हो गया। ओके, एक बार और देखिए, क्योंकि प्रूफ करना है। तो इसका इसमें ऐड किया तो 4 आया, इसका इसमें ऐड किया तो 1 आया, इसका इसमें ऐड किया तो -3 आया, इसका इसमें ऐड किया 9 आया, और ये ऐड किया तो -2 एंड 7 3, और ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका 4, ये सही है। फिर हमको क्या निकालना है, b माइनस c फाइंड करना है। तो b माइनस c हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी है, 3 -1 2 4 -2 5 2 0 3। फिर क्या है, माइनस लिखेंगे, c की वैल्यू क्या है, 4 1 2 0 3 2 1 -1 2, ये 3 आपका। उसका देखिए अगर माइनस नहीं लगे तो माइनस किया जाता है, ठीक है ना। तो माइनस हम करके दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, तो इसमें से माइनस करिए आप, तो ये बड़ा होगा ना, तो इसका साइन लगेगा, ठीक। और ये भी अगर माइनस मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है। ये एक चीज़ हम आपको अच्छा तरीका बताएंगे, गलत हो जाता है इसमें ज़्यादातर, आपको ऐसे ही इसको लिख लेना चाहिए जैसे लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 3 -1 2 4 -2 5 2 0 3। इसको क्या करिए आप ना, यहाँ प्लस कर लीजिए, और सबका साइन यहाँ बदल लीजिए इसका वाला, कितना होगा, -4 -1 -2 है, और यहाँ पे कितना है, 0 होगा, और यहाँ पे -3 होगा, और -2 होगा, और यहाँ पे होगा 1, यहाँ +2 होगा, यहाँ पे -3 होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करिए, यहाँ निकाल लीजिए b-c बराबर कितना आएगा आपका, देखिएगा अब इसमें से माइनस करें तो -1 आया, ये ऐड करना आपके बाद ना, ऐड करिए आप, तो -1 आएगा, इसको इसमें ऐड करें तो -2 आएगा, और ये ऐड करें तो 0 आएगा। ओके, और यहाँ पे जो है कितना आएगा आपका, 4 आएगा, और यहाँ पे दोनों ऐड होगा तो -5 आएगा, और इसको ऐड करें आप तो 3 आएगा, और इसको ऐड करें तो आप लोग 3 आएगा, इसको ऐड करें तो आपका 2 आएगा, और इसको ऐड करें तो आपका 0 आएगा, ठीक है। आपका सॉल्व हो गया, b-c निकल गया। ये देख लीजिएगा आप, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, इसके अगला इसके आगे बता रहे हैं हमें क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे। तो हमें जो वेरीफाई करना हो, देखिएगा क्या वेरीफाई करना है। सबसे पहले देखिए क्या करना है, b-c में हमको a ऐड करना है, तो b-c है और ये ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे a b-c, ये की वैल्यू कितनी है, 1 2 -5, यहाँ पे 5 0 2, और यहाँ पे 1 है आपका, -1 है, और ये 1 है,
और यहाँ पे b माइनस सी वैल्यू कितनी ये है, तो कितना है माइनस वन माइनस टू ज़ीरो और फोर माइनस फाइव थ्री थ्री टू ज़ीरो। इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, ज़ीरो ज़ीरो माइनस फाइव, यहाँ पे नाइन आएगा आपका और यहाँ पे आएगा माइनस फाइव, यहाँ पे आएगा आपका फाइव और यहाँ पे जो आएगा आपका आएगा फोर, यहाँ पे आएगा वन और यहाँ पे आएगा वन। ये किसका आ गया, ए प्लस बी माइनस सी का, ठीक ये आया। अब एक बार क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी में से सी घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, ठीक तो हम लोग क्या करना है इसमें, दूसरा वाला a प्लस बी माइनस सी माइनस इसमें कर देना है, ठीक है। देखिए ये तो हमने फाइंड कर लिया, ये मान निकल गया, अब ये वाला फाइंड करना ना, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले a प्लस बी लिखिए यहाँ पे, तो कितना है फोर वन माइनस थ्री नाइन माइनस टू सेवन थ्री माइनस वन फोर, अस्सी माइनस करिए आप तो क्या हो जाएगा, ये देखिए फोर वन टू ज़ीरो थ्री टू वन माइनस टू थ्री, उसके बाद क्या करिए आप माइनस करेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस सी, इसका सबसे पहले क्या करिए साइन चेंज कर लीजिए, फोर वन माइनस थ्री यहाँ पे होगा नाइन यहाँ पे होगा माइनस टू सेवन थ्री माइनस वन फोर, यहाँ प्लस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस फोर माइनस वन माइनस टू ज़ीरो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन टू माइनस थ्री। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, ज़ीरो आएगा और ये भी ज़ीरो आ जाएगा, ये माइनस फाइव आएगा और ये आपका आ जाएगा नाइन, ये आ जाएगा माइनस का फाइव और ये आ जाएगा फाइव और ये आपका आएगा टू, ये आपका आएगा वन और ये आपका आएगा वन। देखिए ये आपका, सॉरी यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे एक रहा होगा क्या जी, यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस करेंगे और एक चीज़ देखिए ज़रा मिला लें यहाँ पे, ये फोर आया सही था, ये टू आया था सही है, यहाँ पे किसकी वैल्यू भी गलत हो रही है, बी माइनस सी की एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो रहा है, देख लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे हमने जो ऐड किया है और सब तो सही आ रहा है, यहाँ पे जितना भी आ रहा है सही है, बस ये गलत आ रहा है, यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हुआ इसमें लिखने में मुझे, या तो देखिए हम देख लें अगर ठीक तो है इसमें, तो देख लीजिएगा यहाँ हो सकता है कहीं मिस्टेक एक हो गया होगा, और सब प्रूव हो गया यहाँ पर देखिएगा ये चीज़, और यहाँ पर नाइन है माइनस फाइव है फाइव है सही है, ये फोर है और यहाँ बस टू आ रहा है, इसके बस प्लस साइन की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो कहीं मिस्टेक हो गया होगा, या तो ये माइनस अगर रहेगा ये चीज़, या और ये प्लस बी अगर देखा जाए ऐड करके, फिर से हम ऐड करके देख ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ये थ्री ही आएगा, ठीक है, और ये माइनस ही आएगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन में मिस्टेक है आपका, ठीक है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था इसका, ठीक है, तो हो सकता है इससे हो गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन पूरा बिल्कुल सही है, ठीक। तो आप समझ लीजिएगा इसको ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए उसको लिखना आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी सॉरी a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, बराबर हो गए ना,
ये आपका प्रूफ वेरीफाई हो गया। इसमें प्रूफ करना था कि वेरीफाई हो गया है, लेकिन मेरे अगर हिसाब से देखा है तो नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन करना ही सही आपको। ओके, देख लीजिएगा आप लोग से कहीं मिस्टेक हो सकता सही हो जाए, लेकिन इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक के लिए क्या आप इतना लंबी दोबारा लगाएंगे, इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम बर्बाद होगा। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, पांचवा जो क्वेश्चन है आपका, इफ टू बाई थ्री वन, फाइव बाई थ्री वन, बाई थ्री टू बाई थ्री, और यहाँ पे फोर बाई थ्री, यहाँ आपका सेवन बाई थ्री टू टू बाई थ्री, ठीक है। जो आपका बी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका, टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव वन, और ये दिया है वन बाई फाइव और टू बाई फाइव, ये दिया आपका फोर बाई फाइव, और ये दिया आपका सेवन बाई फाइव, सिक्स बाई फाइव और टू बाई फाइव, ये बी की वैल्यू है। आप पूछ कह रहे हैं हम लोग से, दैट कंप्यूट, दैट कंप्यूट थ्री ए माइनस फाइव बी, ठीक है। तो अब क्या करिए, सबसे पहले लिखिए थ्री और ए की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, कितनी है, टू बाई थ्री वन, फाइव बाई थ्री वन बाई थ्री, टू बाई थ्री फोर बाई थ्री, सेवन बाई थ्री टू बाई टू आई टू बाई थ्री, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई किया है पाँच से, तो ये होगा टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव, यहाँ वन हो गया, वन बाई फाइव टू बाई फाइव फोर बाई फाइव सेवन बाई फाइव सिक्स बाई फाइव और टू बाई फाइव, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये सब एक एक करके सब में मल्टीप्लाई होगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो इस कंडीशन में देखिएगा, हम दिखा रहे हैं आप समझिएगा, थ्री इंटू टू बाई थ्री, ये कटेगा तो जितने में अपान में थ्री सब कट जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे जितने में है, जिसमें नहीं वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक में करना आपको थ्री इंटू वन तो थ्री ही आएगा, और इसमें करेंगे मान लीजिए थ्री फोर बाई थ्री तो इसका भी थ्री कट जाएगा, इसलिए लिखेंगे नहीं हम लोग, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, कितना आएगा सब में मल्टीप्लाई, जितने में नीचे थ्री सबके कट जाएगा, कितना आएगा टू, ये जाएगा थ्री, ये जाएगा फाइव, वन टू फोर सेवन, ये जाएगा सिक्स, ये हो जाएगा टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसका नीचे फाइव वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कट जाएगा, नीचे का जो भी जिसके नीचे नीचे हैं फाइव यानी अपान में वो सब कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे, और सब में मल्टीप्लाई होता है एक एक एलिमेंट में, टू थ्री फाइव, ये हो जाएगा आपका वन टू फोर सेवन सिक्स टू, आप सबको क्या करिए माइनस कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा आपका ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। देखिए कितना आसान था, बस बड़ा लग रहा था आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा, देखिए हमने कुछ नंबर गलत लिख दिया था, तो क्वेश्चन नंबर ना सोचिएगा कुछ, सिंप्लीफाई कॉस थीटा
यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करें, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब में मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे जो होगा आपका होगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसको करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये थ्री नहीं है कॉस है समझिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा ये होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब उसके बाद ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा दूर लिख दें नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, लिखने में यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब इसको ऐड करिए तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ऐड करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए वन होता है जानते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको कितना होता है वन होता है, यह वन हो गया और यह देखिए कट के जीरो हो जाएगा और ये भी कट जाएगा जीरो हो जाएगा और ये जो होगा वन, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, ये भी सॉल्व हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।